भाई इसे कहते हैं असली स्टार्टअप, असली फैन फॉलोइंग्स, असली असली फैन क्रेज। जो कल शो के दौरान जो हुआ सुन के आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। डार्लिंग प्रभास को देखने के लिए इतनी तादाद में लोग आहा वीडियो को लॉगिन किए, तो वो ऐप क्रैश हो गया भाई, ऐप क्रैश हो गया। इतनी तादाद में लोग लॉगिन किए वो शो को देखने के लिए। एक्चुअली देखो कल रात 9 बजे डार्लिंग प्रभास आने वाले थे, इसका प्रोमो वगैरह छोड़ के इसका चारों ओर इसका बहुत प्रचार था। एक शो को मतलब एक शो की प्रचार इस कदर हुआ था ओनली फॉर डार्लिंग प्रभास। लोग मतलब दुनिया भर के फैंस हैं उनके, तो वो सारे के सारे लोग वो शो को देखने के लिए आए और इतनी तादाद पे लॉगिन किए वो आहा वीडियो को, जो ऐप क्रैश हो गया। आहा वीडियो वालों को मतलब फैंस लोगों को माफ़ी मांगनी पड़ी, ट्वीट करनी पड़ी कि मतलब डार्लिंग प्रभास को तारीफ करते हुए वो लोग लिखते हैं कि डार्लिंग प्रभास आपका फैन क्रेज बहुत ज़्यादा है, हम लोग संभाल नहीं पा रहे हैं, बट जस्ट आफ्टर फ्यू मिनट, जस्ट आफ्टर फ्यू टाइम्स हम इसको ठीक करने वाले हैं। और वो लोग माफ़ी मांगने लगे कि हम इसको बहुत ही जल्द ठीक कर देंगे। बोल के फैंस पूरा भड़क गए, क्या हो रहा है, क्यों आप लोग ऐसा कर रहे हो, क्या ऐसा कर रहे हो, लिंक क्यों डिलीट हो गया, ये सब कुछ करके ना बहुत बड़ी बवाल मच गया भाई, बहुत बड़ी बवाल मच गया। देखो ये वीडियो की अगर स्पेशल चीज़ की हम बात करें तो ये जो 55 मिनट का शो है इसका क्या हुआ ना, मतलब स्पेशल एडिट किया गया था, ठीक है ना। जैसे वो इस शो का जो नॉर्मल एडिट होता है उससे स्पेशल एडिट किया गया था। तीन टू प्रोमो आया था इसका। पहले तो एक प्रोमो का प्रोमो आया, ठीक है ना, एक प्रोमो का प्रोमो आया। उसके बाद 3 मिनट का एक बड़ा प्रोमो आया, 3 मिनट का बड़ा प्रोमो दिया गया, दूसरे शो में भी दिया गया। और फिर शो को 2 पार्ट में रिलीज किया जाएगा, जो कि पहला पार्ट ये कल रात 9 बजे था, दूसरा पार्ट आएगा 5 जनवरी को, जिसमें गोपी चांद एंट्री करेंगे, जो कि डार्लिंग प्रभास के सबसे अच्छे दोस्त है बरसम मूवी से। और बरसम मूवी से वो दोनों का क्या मतलब, किस तरह से उनकी दोस्ती मतलब शुरू हुआ, कैसे वो लोग एक दूसरे के साथ जुड़े, वो सारी चीज़ों को इस वो शो में खुलासा करेंगे। और क्या हुआ इस शो में, देखो इसकी इंग्लिश सबटाइटल रखा गया, ठीक है ना, इंग्लिश सबटाइटल रखा गया ताकि डार्लिंग प्रभास ठहरे ग्लोबल स्टार और दुनिया भर के लोग इस शो को देखने के लिए पसंद कर रहे हैं, तो इसको इंग्लिश सबटाइटल में रखा गया ताकि हम जैसे लोग उसको देख पाएँ और मज़ा कर पाएँ, एंजॉय कर पाएँ। और दूसरी चीज़ है ऐप क्रैश हो गया, ऐप क्रैश हो गया भाई, ऐप क्रैश हो गया। इतनी तादाद पे लोग लॉगिन करने लगे, कुछ समय तक मतलब ऐप चला ही नहीं, वो पूरा स्टॉप हो गया, बंद हो गया। और मैं तो यहाँ पे मतलब वो शो को जब देख रहा था भाई, मैं बस यही सोच रहा था कि मुझे क्यों तेलुगु नहीं आती है यार, जस्ट ओनली फॉर प्रवास, ओनली फॉर डार्लिंग तेलुगु सीखने का मन लग रहा है भाई, कि मैं भी तेलुगु बोल सकूँ, जान सकूँ, एटलीस्ट समझ सकूँ। यार बोलना तो उतना नहीं है, नहीं बोल पाऊँ तो मैं किसके साथ बात कर रहा हूँ, मेरी बात कौन सुनेगा, लेकिन मैं सुनना चाहता हूँ, खास तौर पे सुनना चाहता हूँ कि वो मतलब ये शो, ऐसे शो में जो जो भी कोई आए मतलब वो आएंगे, और भी कई सारे स्टार हैं अभी तेलुगु फिल्मों की मतलब ये साउथ इंडियन फिल्मों की इस कदर अभी बोलावाला है ना भाई, कि तेलुगु सीखने का मन लग रहा है। सच बताऊँ तो इतना मस्त लग रहा है वो शो, आप समझ नहीं पाओगे। इंग्लिश सबटाइटल पढ़ पढ़ के आप देखोगे, डार्लिंग प्रभास का कई सारे एक्सप्रेशन भी आपका गायब हो जाएगा जब वो आप समझने लगोगे। ये मेरे साथ हुआ है, आपके साथ भी हुआ होगा, और आप अगर आप भी आप नॉन तेलुगु हो तो ये परेशानी हुआ यार, थोड़ा दुख लगा, क्या करें, है ना, बहुत सारी चीज़ों को मतलब पीछे मतलब बैकवर्ड कर करके भी देखना पड़ेगा बाद में जब ये डाउनलोड होगा, तो मतलब ये सब कुछ होता है यार, क्या करें। इसलिए मन लगता है कि मैं तेलुगु सीखूं यार, तेलुगु समझ पाऊँ, एटलीस्ट तेलुगु समझ पाऊँ। आप में से कौन कौन हो जो ये क्रैश में फंसे हो और आहा वीडियो को गुस्सा दिखाए हो, जरूर कमेंट करना। आप भी कौन कौन हो इसका शिकार, जरूर कमेंट करना भाई।